तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि टियान सेक्ट के सभी लोग न्यू ईयर के लिए एक्साइटेड होते हैं। वहीं पर केयरटेकर डीमन तभी स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ खेल रहा होता है और अब वह आसमान में एक स्पिरिचुअल फ्रूट को फेंकते हुए तभी स्पिरिचुअल बीस्ट को उन्हें खाने के लिए बोलता है, जो सुनते ही सभी बीस्ट उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर टाइम रुक जाता है और अब मांटाउ आते हुए उस स्पिरिचुअल फ्रूट को खा जाता है। दूसरी ओर हमें क्वेंसु को दिखाया जाता है जो न्यू ईयर पार्टी के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है, पर वह हर बार फेल हो जाती है, जो देखकर आसपास खड़े सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं। तभी डोंगमी वहां पर भागते हुए आता है और अब वह क्वेंसु को बताता है कि कई सारे लोग टियान सेक्ट में आए हैं और वह उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं, जो सुनते ही क्वेंसु उनसे मिलने के लिए भागती है। और अब डोंगमी चैन की सांस लेते हुए बोलता है, फाइनली पार्टी में अब हमें क्वेंसु के हाथों का बनाया गया खाना नहीं खाना पड़ेगा। दूसरी ओर टियान सेक्ट के बाकी के सभी डिसाइपल्स सेक्ट को साफ कर रहे होते हैं। वहीं पर कॉन्ग भी सफाई कर रही होती है। तभी साओ भागते हुए उसके पास आता है। वहीं पर उसके हाथ में एक बॉक्स होता है और अब वह कॉन्ग को वह बॉक्स दिखाते हुए बोलता है, कॉन्ग क्या तुम गैस कर सकती हो कि यह किसका बॉक्स है? अब कॉन्ग एक एक करके सेक्ट के सभी डिसाइपल्स के नाम गैस करने लगती है, पर वह बॉक्स उनमें से किसी का भी नहीं होता है। तभी साओ खुश होते हुए बोलता है, मैंने सेक्ट के हर एक डिसाइपल के पास जाकर उनसे इस बारे में पूछा, पर यह बॉक्स उनका नहीं है। यहाँ तक कि मैंने हैप्पी से भी इस बारे में पूछा, पर यह बॉक्स उसका भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से यह बॉक्स जरूर मास्टर का होगा। अभी कॉन्ग बोलती है, बेवकूफ, तुम मास्टर के सामान की तलाशी ले रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? तुमसे किसने कहा कि मैं मास्टर के बॉक्स की तलाशी ले रहा हूँ? मैं बस देखना चाहता हूँ कि मास्टर ने आखिर इस बॉक्स के अंदर कौन सा ट्रेजर रख रखा है। अभी सुयांग का बड़ा भाई साओ के पीछे से आते हुए उस बॉक्स को अपने पास खींच लेता है, जो देखते ही साओ पहले डर जाता है और अब वह बोलता है, सीनियर यह आप हो, मैं तो डर ही गया था कि कहीं मास्टर यहाँ पर ना आ गए हो। अब वह लोग उस बॉक्स को खोलते हैं जिसके अंदर से एक बहुत ही लंबा स्क्रोल निकलता है। अब वह सभी लोग उस स्क्रोल को पढ़ते हैं तो उस पर लिखा गया होता है कि सुयांग के मास्टर के अपर वर्ल्ड पर आ जाने के बाद सुयांग हर साल न्यू ईयर पे अपने मास्टर से क्या गिफ्ट लेना चाहता था, और उसे हर साल न्यू ईयर पे जो गिफ्ट चाहिए था सुयांग ने उसकी वह लिस्ट बनाकर रख रखी होती है। यह देखकर सभी लोग वहां पर हैरान हो जाते हैं। तभी सीनियर बोलता है, सुयांग को न्यू ईयर बहुत ही ज्यादा पसंद है और यहाँ की सेलिब्रेशन तो उसे और भी ज्यादा अच्छी लगती है, तो फिर क्यों ना इस न्यू ईयर को हम उसके लिए यादगार बनाएं और उसके यहाँ पर आने से पहले ही हम अपने सेक्ट को सजा दे। अब यह आइडिया सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी साओ आगे आते हुए बोलता है, अंकल फेंग, मैं यहाँ पर मास्टर के लिए इस पूरे सेक्ट को चमका दूंगा, आप बस देखते जाओ। वैसे भी मास्टर का अपर वर्ल्ड में यह पहला न्यू ईयर है। अब फेंग सभी लोगों को अपने प्लान के बारे में समझाने लगता है। तभी उसके पीछे से सुयांग आ जाता है, जो देखकर उसके सभी डिसाइपल्स वहां पर डर जाते हैं। और अब सभी डिसाइपल्स का चेहरा देखते ही फेंग भी समझ जाता है कि उसके पीछे सुयांग खड़ा है, और अब वह अपने बात को वहां पर बदल देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शाम को सभी लोगों ने एक साथ मिलकर पूरे के पूरे टियान सेक्ट को सजा दिया होता है और हर जगह रोशनी ही रोशनी होती है, और अब सभी लोग फायरवर्क्स जलाते हुए न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने लगते हैं। वहीं पर सभी लोग एक दूसरे को फेंक फेंक कर वह फायरवर्क्स मार रहे होते हैं। दूसरी ओर सेक्ट के सभी सीनियर लोग जॉइंट टेबल पर खाने का बंदोबस्त कर रहे होते हैं। वहीं पर डोंगमी भी खाने की चीजों को टेबल पर रखने के लिए जा रहा होता है। तभी एक फायरवर्क काफी तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही लुओ बीच में आते हुए उसे रोक देता है। यह देखकर डोंगमी उसे थैंक्स करता है। उसी वक्त लुओ डोंगमी के हाथों से खाने को ले लेता है और अब वह दोबारा से उस फायरवर्क को डोंगमी की ओर जाने देता है। यह देखकर डोंगमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह फायरवर्क्स में आग लगाते हुए उसे लुओ के ऊपर फेंकने लगता है। वहीं पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अब धीरे धीरे करके टियान सेक्ट के सभी सबॉर्डिनेट्स और टियान सेक्ट के अंडर काम करने वाले सभी लोग वहां पर पहुंचने लगते हैं, और अब वह सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना स्टार्ट करते हैं। वहीं पर सभी लोग सुयांग को अपनी ओर से कुछ ना कुछ गिफ्ट कर रहे होते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि अपर वर्ल्ड में सुयांग का फर्स्ट न्यू ईयर है, इसीलिए वह इसे हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं। तभी वहां पर स्नोफॉल होने लगता है, जो देखकर सभी लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसी वक्त एशियंट ड्रैगन वहां पर आते हुए अपने फायरवर्क्स टेक्निक का यूज करते हुए आसमान में चारों ओर फायरवर्क्स उड़ाने लगता है।
यह देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और अब वह सभी लोग एक एक करके न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने लगते हैं। तभी लिंगसु सुयांग की ओर देखते हुए बोलती है, मास्टर आखिर आप इस नए साल में क्या करना चाहते हो? पर सुयांग कुछ भी नहीं बोलता है और अब वह चुपचाप खड़ा होकर वहां से जाने लगता है, जो देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, क्या मास्टर यहाँ पर गुस्सा हो गए? क्या यह सब कुछ मास्टर को पसंद नहीं आया? तभी फेंग बोलता है, नहीं सुयांग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुयांग सेक्ट के एक कमरे में आया हुआ होता है और अब वह अपने पास से अपने मास्टर के द्वारा दिया गया वुडन हॉर्स बाहर निकालता है और अब वह उसे देखने लगता है। दूसरी ओर हमें एक प्लेनेट के ऊपर सुयांग के मास्टर को दिखाया जाता है, जो हंसते हुए सुयांग को न्यू ईयर विश कर रहे होते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं सभी लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि यह एक स्पेशल एपिसोड था, जो चाइना के कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। और जिस तरह इंडियन कैलेंडर के हिसाब से भारतीय नववर्ष मनाया जाता है, उसी तरह चाइना में भी उनके कैलेंडर के हिसाब से 10 फरवरी को इस साल उनका न्यू ईयर था, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए यह स्पेशल एपिसोड लाया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि यह एपिसोड 10,100 ईयर्स ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग के रियल स्टोरी से कनेक्टेड होगा, या फिर हो भी सकता है।